हेलो दोस्तों, एकेटिव रिजल्ट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर दी है दोस्तों। एकेटिव सीओपी यानी कैरी ओवर पेपर रिजल्ट और उसके अलावा चैलेंज एवेल्यूशन रिजल्ट को लेकर आज की अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट। आपको पता होगा मैंने इसके पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किया उसमें मैंने बताया था कि एकेटीयू को हम ट्वीट कर रहे हैं कि चैलेंज वेरिएशन रिजल्ट और कैरी पेपर यानी बैक पेपर का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर करें। लेकिन अब गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हाँ दोस्तों, क्या गुड न्यूज़, चलिए बताता हूँ आपको। आपका रिजल्ट का इंतज़ार होगा खत्म। जी हाँ, कई सारे छात्र मुझसे पूछ रहे, तो सभी का जवाब इस वीडियो मिल जाएगा रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों वीडियो कर दो अभी लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। उसके लिए नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लो, ताकि जैसे कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। एकेटीयू ने कई सारे कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर, जैसे कि आपको पता है कि एकेटीयू ने बीटेक, बी फार्मा, एमटेक, एम फार्मा सभी छात्रों का रिजल्ट आ गया। लेकिन उसके अलावा कई सारे छात्र, कई सारे कोर्स ऐसे हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्स के भी रिजल्ट एकेटीयू ने डिक्लेयर कर दिया। बट अगर बात करें बी फार्मा और बीटेक और के कैरी ओवर, एमबीए कैरी ओवर क्या रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो जैसे कि हमने बताया था कि न्यूज़ में कई सारे छात्र जो है सुसाइड की भी कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है ये प्रेशर पड़ा हो एकेटीयू पे, क्योंकि हमने इसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह हमने इसको वायरल करने की कोशिश की। आपको पता होगा अगर हमारे ग्रुप से आप ज्वाइन होंगे, चाहे टेलीग्राम चाहे इंस्टाग्राम, जैसे कि एक एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मैं कैरी ओवर रिजल्ट अगर नहीं आया तो मैं कुछ कर बैठूँगा और एक अच्छी खासी नौकरी चली गई। तो इसलिए एकेटीयू ने कहा था आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द ही कैरी ओवर रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। तो उसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक व्यूवर्स हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि सर एकेटीयू के जो एक रजिस्ट्रार हैं, तो उनसे उनसे जो है बात हुई, तो उन्होंने बताया कि रिजल्ट इस डेट को आएगा। तो आप ये पहले वॉइस जो रिकॉर्डिंग है वो सुनिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं? तो वही बोले हैं कि मतलब मंडे तक में देखो, जैसे मेरा भी आया हुआ था ना, विप्रो कंपनी से मेरा भी आया था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वही बात हुआ। तो वो भी बता रहे थे कि अभी तो नहीं, मतलब वही मंडे को, वो बोले हैं कि मंडे तक आ जाना है, मंडे को अपडेट होगा बीटेक वाला का बैक। अच्छा, बीटेक वाला, फार्मा वालों का भी नहीं कुछ बताया? फार्मा वालों के लिए तो नहीं है भाई, बीटेक का बैक। आपका बीटेक है? ये सर बीटेक मेरा फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर हो गया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोले मंडे तक है। यस सर, हम लोग तो देख रहे थे कहीं आज दे दे, आज कल दे दे। हाँ नहीं तो वही तो इसीलिए ट्वीट करा रहे ना। यस सर, बट वो बोले हैं कि वो ये क्या बोलते हैं, और सर बोले हैं कि चेक भी होगा, मंडे को ही चेक होगा, कॉपी बता रहे थे। अच्छा, रीचेक वाला भी? हाँ, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। यस सर, तो वही बता रहे थे कि मंडे तक होगा, और चैलेंज एवोल्यूशन वाला में लेट होगा सर, उसमें 31 लग सकता है, 1 तारीख तक। अच्छा अच्छा, बता रहे थे। यस सर, वो बता रहे थे कि चैलेंज वालों में टाइम लगेगा, बस बैक वालों में। हाँ तो बैक का भी आ जाए कम से कम, थोड़ा वो हो जाएगा। हाँ, बैक का भी आ जाए सर। चलिए, तो वही सोचे कि आपको बता देते सर। नहीं नहीं, थैंक यू आपने जो कॉल किया। वैसे हम लोगों ने इसे ट्वीट करा रहे हैं ताकि जल्द जल्दी आ जाए। तो ज्यादा सोच रहे हैं कि सर अभी एक दो दिन में ही आ जाता तो सब सही। नहीं तो अगर अगर ज्यादा ट्वीट हो जाते हैं 1000-2000 तो कम से कम प्रेशर तो पड़ेगा ही, तो उससे जरूर जल्दी करने की कोशिश करेगा कि टीम। हाँ, अगर ट्वीट अगर ज्यादा अगर आज हो जा रहा है तो जो मंडे को करना है वो जरूर कल या परसों में जरूर। हाँ, तो कल भी कर सकता है। चांसेस तो यही थे कि आज आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं सर, अब तो हमें नहीं लगता क्योंकि उनसे बात हुआ है। हाँ, 3 दिन से तो अनाउंस सुन करके जो है कि ट्यूब बस यही इतना बता रहा है, बाकी तो वही सर मंडे को, मंडे में ही आएगा सर। हाँ, अब देखिए ट्वीट वगैरह कराइए, शायद क्या पता जल्दी कर दे। ठीक है सर, देखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, ये हमारे जो व्यूवर्स हैं सुमित सिंह हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें कॉल करके फ़ोन करके बताया कि सर ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि ट्यू की। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस तरह कोई न्यूज़ निकल के आती तो हमें इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर आपको मेरे पास आपका नंबर मेरे पास है तो सॉरी मेरा नंबर अगर आपको है तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं, ट्विटर पर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर कोई अपडेट आई मैं खुद आपको बता दूंगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि मंडे से पहले आ जाएगा, बोला कि मंडे से पहले आ जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मंडे ही को आए। आपको पता है कि आज फ्राइडे लगभग ख़त्म हो चुका है, सैटरडे संडे 2 दिन का समय बचा है बीच में, तो हो सकता है कल ही डिक्लेयर कर दे। और चैलेंज वेरिएशन का रिजल्ट इन्होंने बताया कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम खामोश अब नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, बहुत सब्र कर लिया। तो उसके लिए हमने क्या करना, ट्वीट की हमने मुहिम शुरू की है। आज हमने देखी ट्विटर पर ट्वीट किया, तो उसमें कई सारे छात्रों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं जितना हम सोच रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और हम देखेंगे अगर रिजल्ट फिर भी डिक्लेयर नहीं करता है एकेटीयू, तो हम फिर दोबारा क्या करेंगे, एकेटीयू को रिट्वीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, तो उसमें कई सारे जो है छात्रों ने देखे लाइक ट्वीट रिट्वीट किया है, तो जिन्होंने ट्वीट रिट्वीट किया धन्यवाद, जिन्होंने सपोर्ट किया। बाकी यार जिन्होंने अभी तक जो है ट्वीट नहीं किया, तो आप जाके रिट्वीट कर सो और फॉलो भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर
जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट के लिए हम जो है हमेशा आपको लाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा मंडे से पहले आ जाएगा, अब हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन अब ज़्यादा टाइम 2 दिन के अंदर मैं आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो ही जाएगा। चैनल वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी डिक्लेयर करवाएंगे एक ट्यू से, क्योंकि हम उसको ट्वीट और रिट्वीट करते रहेंगे ताकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तो हम भी अब आपके साथ हैं, अगर आपको परेशान नहीं होना है। तो अगर आप भी हमें सपोर्ट करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज बनता है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है पूरी इन्फोटेक रिसर्च सब आप लोगों के सपोर्ट के साथ है दोस्तों। तो इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए, और मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और आई होप आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप कोई गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि देखो मैंने हमने ट्वीट किया था कि क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड जेई नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है, और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपायर्ड आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR001 यूज करिए, और 10% डिस्काउंट पाइए ITR001। क्या जो है आखिर एकेटीयू लखनऊ क्या चाह रहा है, इस तरीके से आप खुद आके पढ़ सकते हैं हमारा जो ये ट्विटर अकाउंट है। एक आखिर लखनऊ क्या चाह रहा है, अभी तक COP चैलेंज वेरिएशन रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या एक छात्रों का सुसाइड करने पर विवश कर रहा, आखिर इसकी वजह क्या है, इतनी देरी क्यों हो रही है। हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट जो कि कह रहे थे मैं कुछ भी कर बैठूंगा, नौकरी नहीं मिली, तो उसके हमने रिट्वीट को यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अगर आप भी कोई भी इस तरह की अथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन तो हम तक जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें दोस्तों। जैसे कोई आपके रिजल्ट की अपडेट है मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।